नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उसको दोबारा से डिमांड आ रही थी डिटेल में बताने के लिए वीडियो कि मशीन की प्राइस क्या है, किस टाइप की मशीन है। दोस्तों दोबारा एक बार मैं चल रहा हूँ आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस प्रकार की वीडियो दोस्तों मैं आप लोग के लिए लाते रहूँगा। हम दोस्तों दोबारा ही चल रहे हैं धीरे धीरे, आज जो है डायरेक्ट ऑनर से बात करने की कोशिश करेंगे और मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी बताऊंगा। देखते हैं क्या होता है आगे, चलते हैं दोस्तों धीरे धीरे। दोस्तों जो वीडियो यहाँ पे मैं शूट करूँगा, काफ़ी बड़ा मार्केट है मशीनों का, सेकंड हैंड का, तो अभी उसी रोड पे हम चल रहे हैं धीरे धीरे। देखते हैं आगे, कुछ पार्टियों से बात करते हैं और जो है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी दूँगा। आप दोस्तों डायरेक्ट उनसे आप बात कीजिएगा, उनका मैं जो है बोर्ड का साइन बोर्ड और विजिटिंग कार्ड और जो है मोबाइल नंबर भी जो है अपडेट करूँगा, तो आप डायरेक्ट उनसे ही बात कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों कोई कुछ कहना हो, आपको कुछ कहना चाहते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप जो है कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं कॉमेंट पढ़ के उस टाइप की आगे वीडियो बना दिया करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों जो ये रोड देख रहे हैं आप, ये जो है फरीदाबाद में मुझे सर पड़ता है, तो मैंने जो है मथुरा रोड NH2 जो रोड है वहाँ से मतलब लेके और बाटा से मैंने ऊपर फ्लाईओवर से फिर मैंने बैक करके यहाँ से लिया हुआ है। और आप जो है बल्लभगढ़ की तरफ से भी आ सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से जो है मार्केट अब स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, चल रहे हैं हम लोग। आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियर साफ सुनाई दे रही होगी? दोस्तों ये मार्केट स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से यहाँ पे, देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से मशीन स्टार्ट है, यहाँ पे काफ़ी जो है पेड़ वगैरह भी हैं दोस्तों, इस टाइप में भी काफ़ी मशीनें हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिएगा और कुछ कहना चाहते तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग का प्यार बना रहे जिससे मैं मोटिवेट रहूँगा दोस्तों और जो है इस टाइप की वीडियो अपने लाते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ये मशीन यहाँ से जो है स्टार्ट हो चुकी है, आज यहीं चल के इन लोग से बात करनी है, देखते हैं क्या प्राइस है, क्या इनका है, सेकेंड हैंड का क्या रेट है मशीनों का। तो पूरी मार्केट एक बार देख लेते हैं दोबारा से, धीरे धीरे मैं दिखाते चल रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों पूरी मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये सारी मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। तो ये नंबर है, आप डायरेक्ट जो है इनसे बात करने की कोशिश करिए, 9 Dev Enterprise 9873637 00 और 9910488989। अभी दोस्तों इनके ऑनर जो हैं फैक्ट्री में है नहीं, वहाँ पे दोस्तों ये वर्कर बैठे हुए हैं, मैंने बात करने की कोशिश करी है, कह रहे हैं कि ऑनर नहीं है। और ये है श्री बांके बिहारी इंटरप्राइज, इनका नंबर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, 4 times 9604200 और एक नंबर है 9643420546। तो दोस्तों यहाँ पे जो है चार पांच ट्रेडर हैं, इन्हीं की सारी मशीन यहाँ रखी गई हैं, जो मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, आप इन नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं किसी से बात करने की कोशिश करेंगे।
सारी यहाँ पे मशीनें हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये हम आ चुके हैं दोस्तों। मैं आपको एक बार मशीन दिखा दूँ। यहाँ पे जो है हर टाइप की मशीन आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हर टाइप की दोस्तों मशीन है। ये सेकंड हैंड मशीन की दोस्तों मार्केट है, आप देख सकते हैं दोस्तों। पूरी सेकंड हैंड मशीन की मार्केट है। अभी मुझे तो नाम भी नहीं पता है क्या क्या प्रॉपर नाम होता है। डायरेक्ट ऑनर से मैं बात करवाऊँगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो सारी सेकंड हैंड मशीन है। दोस्तों ये देखिए, लेथ मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, पावर प्रेस मशीन, यहाँ पे जो है दोस्तों हर टाइप की मशीन है। चलिए मैं डायरेक्ट आपको ओनर से ही बात करवाता हूँ और प्राइस भी पूछने की कोशिश करेंगे क्या क्या प्राइस है इनका। जो है प्राइस भी हम पूछने की कोशिश करेंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट जो है दोस्तों ओनर से ही बात करते हैं डायरेक्ट चल के। आप देख सकते हैं हर प्रकार की जो है यहाँ पे मशीनें हैं दोस्तों। ये मशीन है, सारी मशीन है। चलिए दोस्तों किसी ओनर से बात करने की कोशिश करते हैं, आपको एक बार सारी मशीन दिखाते हुए ऑनर से चल के बात करते हैं और जो है प्राइस भी बात करेंगे क्या प्राइस में क्या प्राइस देंगे। ये हम चल रहे हैं ओम इंटरप्राइज में दोस्तों, इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। कंपनी का जो नाम है ओम इंटरप्राइज है 9811353650। रजिस्टर नंबर है 06ALFPK3090G1Z9। ये है दोस्तों, ये सारी मशीन जो है इनकी रखी हुई है। चलिए दोस्तों एक बार ओनर से बात करते हैं। इस पर मैं चल रहा हूँ ओमी इंटरप्राइज में, डायरेक्ट चल के ओनर से बात करते हैं। नमस्कार सर। जी सर, कैसे हैं सर? तो सर मैं दो दिन पहले यहाँ पे आया था और मैंने वीडियो शूट करी थी यहाँ पे सर। तो सर काफ़ी रिस्पांस आया था यहाँ पे, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि आप जो है इन मार्केट में जाइए और जो है डिटेल में थोड़ी वीडियो बनाइए सर। तो मैंने सोचा कि सर मैं और भी आगे पीछे गया था तो वहाँ पे ऑनर बैठे हुए नहीं थे, तो वहाँ पे जो है उनके जो है स्टाफ वगैरह बैठे हुए थे, तो कह रहे थे कि ऑनर नहीं है तो यहाँ पे तो बातचीत मेरी हो नहीं पाई उनके पास। तो सर मैं यहाँ पे आया, ओम इंटरप्राइज आपकी फर्म का नाम है ना सर? तो सर थोड़े अपने बारे में बताइए कि आप जो है इस मार्केट में कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 20 साल से आप काम कर रहे हैं और फर्म का नाम ओम इंटरप्राइज। ठीक है सर, तो आप नई मशीन भी करते हैं या सिर्फ पुरानी मशीन? पुरानी मशीन करते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो सर जो है पुरानी मशीन कर रहे हैं, कितने साल से चल रहा है सर काम आपका? 20 साल से आपका काम चल रहा है और जो है आप इस मार्केट में हैं तो ये फरीदाबाद मुझे सर है ना सर? तो सर जो वीडियो है मेरी, ये जो वीडियो है सर, जो हमारे व्यूवर्स है पूरे पैन इंडिया से ये वीडियो को देखेंगे, जैसे मैं वीडियो को डालूंगा तो पूरे पैन इंडिया से देखेंगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी एक बार हम वीडियो में दिखा देंगे क्या क्या मशीन आपके पास है, कौन कौन सी मशीन की जो है डिमांड कर रहे हैं। तो सर एक बार थोड़ा बता दीजिए डिटेल में कौन कौन सी मशीन है आपके पास, थोड़ा नाम बता दीजिए। मेरे पास बेंडिंग पड़ी है, सेरिंग पड़ी है सर। ओके। और मिलिंग पड़ी है। मिलिंग मशीन, ठीक है। पावर प्रेस पड़ी है। पावर प्रेस पड़ी है, ठीक है। इंजेक्शन पड़ी है। इंजेक्शन मोल्डिंग बोलते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग, ये सारी मशीनें पड़ी हैं। तो सर रेट भी सर जो है, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उनको रेट का समझ में नहीं आता क्या पड़ेगा कैसे वो आएंगे, तो एक बार सर रेट भी बता सकते हैं एक बार चल के? हाँ जी, वो 2.5 मीटर 4 mm की है, रवि वालों की बनी हुई है, लुधियाना की। वो पड़ेगी 4 लाख रुपए की। अच्छा, रवि वालों की हमारे पास बेंडिंग भी पड़ी हुई है 4 mm 2.5 मीटर की। अच्छा, वो पड़ेगी आपको 4 लाख 20 हजार। अच्छा, MNTR पड़ी हुई हमारे पास 2 नंबर प्रेसी कट, 3 नंबर प्रेसी कट, 2 नंबर प्रेसी कट आप लेते हैं तो 1,35,000 रुपए, और 3 नंबर की प्रेसी कट अगर आप करते हैं तो 1,65,000। अच्छा, पावर प्रेसेस हमारे पास 20 टन 10 टन 30 टन 50 टन 100 टन जो भी रिक्वायरमेंट होगी
दस्तन की अपनी स्टार्टिंग 40,000 से हो जाती है, नॉर्मली 40,000 से लेकर के लाख रुपए तक दस्तन की मशीन जाती है। 20 टन की भी 60,000 से स्टार्टिंग होती है, वो भी 15 लाख रुपए तक जाती है। 20 टन की है, लुधियाने की बड़ी हुई है। एच में चाहिए, सी में चाहिए, आपको सब तरह की दुकान मिल जाएगी। ड्रिल मशीन में आपको आधा इंची, पौना इंची, एक इंची, डेढ़ इंची, दो इंची, ढाई इंची रेडियल तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आपको लेथ मशीन है 6 फुटी, 4 फुटी, 8 फुट, 10 फुट, 12 फुट, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि माल स्टॉक में नहीं होता, अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट करेगा तो उसका अरेंजमेंट हम लोग करा देते हैं। कई बार कुछ टाइम लग जाएगा, कुछ समय हमें चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, क्योंकि इतना माल ना तो रखने की हमारे पास स्पेस हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइड पे माल पड़ा रहता है, वहीं लेके रखते हैं, तो हम वहाँ से दिखा करके वहाँ से भी हम दिलवा सकते हैं। सर जैसे जो इसमें डील होती है, जैसे कोई मशीन लेना चाहता है, क्या प्रोसेस रहता है? क्लाइंट को तो आना ही पड़ेगा। क्लाइंट को एक्चुअली में क्या होता है, देखो मशीन कस्टमर के ना इसके डिपेंड करता है विश्वास के ऊपर। कस्टमर का अगर विश्वास है, हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं उन लोगों का हमको विश्वास है, वो लोग केवल एक फोन करते हैं भैया फलानी मशीन हमारे को रिक्वायरमेंट है, हम लोग उस मशीन को अपने अकॉर्डिंग रिपेयर करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हमें पता है, उनको क्या एक्यूरेसी चाहिए। अगर हमारे पास उस एक्यूरेसी की मशीन है तो हम उनको डिलीवर कर देते हैं। अगर उस एक्यूरेसी की मशीन नहीं है तो हम उनसे टाइम लेते हैं, बोलते हैं अभी नहीं है हमारे पास भाई, आपको रुकना पड़ेगा। जो कस्टमर विश्वास करते हैं हमारे यहाँ चलाने के लिए, चेक करने के लिए अगर आपको चाहिए तो चेक करने का भी प्रोसेस है, मशीन चेक करके ट्रायल करके हम आपको दे देंगे। अच्छा। उसका थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ेगा ट्रायल करने का, ट्रायल करने का एक्स्ट्रा पड़ेगा, थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक ठीक है, ट्रायल। अच्छा सर, जैसे आप पुरानी मशीन यहाँ पे आप बेच रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी मशीन, मान लीजिए किसी कोई बिजनेस बंद करना चाह रहा है या कोई अपनी मशीन बेचना चाह रहा है, तो वो भी आप लेते हैं? वो भी आप लेते हैं, मतलब पुरानी मशीन बेचते भी हैं और जिनको अपनी मशीन जो है बेचनी है सर, वो खरीद भी लेते हैं। तो ये मतलब लोकल एरिया से खरीदते हैं या पैन इंडिया? पूरा ऑल ओवर, कहीं भी माल मिले, कहीं पे भी, ऑल ओवर इंडिया से परचेज, कहीं पे भी माल, ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई। विजिटिंग कार्ड सर एक बार मुझे अपना दिखा दीजिएगा, विजिटिंग कार्ड मैं एक बार अपने व्यूअर्स को दिखा देता हूँ, क्या विजिटिंग कार्ड रहेगा दोस्तों? ये जो है सर का विजिटिंग कार्ड है, बोर्ड मैंने आपको पहले दिखा दिया है, एक मिनट, ये जो है इनका नंबर है 9811-35-365 जो सर, ये वाला नंबर ये आपसे बात होगी, ठीक है, और अपना भी एक बार नंबर बता दीजिए अगर बाय चांस ये फोन ना लगे तो। नंबर एक बार, मेरा संजय शर्मा नाम है, ठीक है, और नंबर मेरा 9818068171 एंड 9212322320। ठीक है सर। बाकी दोस्तों आप ये देख लीजिए, इनका जो है कंपनी का नाम ओम इंटरप्राइज है और इनका जो एड्रेस लिखा हुआ है शॉप नंबर 74 नियर शिव शक्ति मंदिर, धर्मकांटा रोड, मुजेसर, फरीदाबाद 121005। दोस्तों आप कह रहे थे कि नंबर दीजिए, कांटेक्ट करवाइए, नंबर दीजिए, तो दोस्तों आप डायरेक्ट जो है सर के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो सारी एक बार यहाँ पे डाल दी है, और एक बार सर प्राइस भी थोड़ा दोस्त एक बार सर मशीन के साथ साथ प्राइस भी दिखा दीजिए, साथ में मशीन भी दिखा दीजिए और प्राइस भी दिखा दीजिए सर। देख चलते सर, चलो दोस्तों एक बार मशीन की तरफ चलते हैं, मशीन भी मैं आपको दिखा दे चलूँगा और साथ में जो है प्राइस भी एक बार दिखा दे चलेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए सर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। ये MNTR है 3 नंबर की, ये MNTR है 3 नंबर की, ठीक है 3 नंबर की है। इसके 1.65 मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं सर? 1.65। 1.65 इसका बता दें दोस्तों, ये MNTR है 3.65 की, आप देख लीजिए, इसका मैं पूरा दिखा देता हूँ। कितना बताया सर इनका आपने? 1.65 आप इनका रेट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। अब आगे चलें सर जी, ये वाली कौन सी मशीन है सर? ये पावर प्रेस, पावर प्रेस है, थोड़ा सा पास में आएगा। हाँ, ये पावर प्रेस मशीन आप देख रहे हैं सर, ये इसका क्या प्राइस पड़ेगा सर? इसके 1 लाख, 1 लाख रुपया पड़ेगा, बहुत बढ़िया। ये वाली कौन सी अगली सर? ये 50 टन की प्रेस है, ये 50 टन की प्रेस मशीन है, ये कितना इसका क्या प्राइस पड़ेगा? 160 इसका पड़ेगा, बहुत बढ़िया। और ये वाली सर? ये सर 20 टन की प्रेस है, ये 20 टन की प्रेस है। दोस्तों पूरा दिखा देता हूँ नीचे से, ये आप देख सकते हैं नीचे से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका कितना बताया सर आपने? 65,000। और नाम क्या है सर इसका? 20 टन की प्रेस, 20 टन की प्रेस है सर, ठीक है। ये बताइएगा सर, ये प्रेस है, ये भी प्रेस मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है, इसका क्या पड़ेगा सर? 80,000 रुपये इसका पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये मैं प्रेस मशीन है, इसका 80,000 रुपये सर बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली सर, ये शेयरिंग, पूरा नाम क्या सर? शेयरिंग मशीन, एक थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ दोस्तों, ये शेयरिंग मशीन है, आप देखिए पूरा दिखा देता हूँ आपको, इसका क्या प्राइस पड़ेगा सर? 4 लाख
4 लाख रुपये पड़ेंगे दोस्तों। मैं इधर से भी थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ये शेयरिंग मशीन है, ये जो है 4 लाख के समथिंग सर बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद सर ये प्रेस है, ये क्या पड़ेगा सर? ये आप जो है 75,000 रुपये इसके मांग रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। नेक्स्ट वाली से बताइएगा, ये भी प्रेस मशीन है, इसका क्या पड़ेगा सर? एक लाख रुपए दोस्तों, इनका 1 लाख रुपए यही है सर। ठीक है, ये भी है सर कुछ? चलिए ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी मशीन दिखा दी, आपको प्राइस भी बता दिया है। ये ओम इंटरप्राइज पे हमने बात करी है, सर हैं, ओनर हैं और सर के साथ इनके फ्रेंड हैं। तो लास्ट में चलते चलते सर से कुछ बात करते हैं, कैसा लगा सर को, और जो है यहाँ पे सर से लास्ट में बात करते हैं। क्या सर कैसा लगा सर ये वीडियो मैंने आपको शूट किया? कुछ और कहना चाहते हैं तो बताइए। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मार्केट में एक बार आएं, जिस किसी को भी मशीन की रिक्वायरमेंट है एक बार आएं, ठीक है, मशीनें देखें, चेक करें, लेके जाएं। मशीनों में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं होती है मार्केट के बारे में, कंपनी फैलाई जाती है, स्क्रैप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीनें सारी रनिंग कंडीशन में ही मिलती है, यहाँ चालू ही आती है फैक्ट्री से, वही बेचते हैं। बट यहाँ आने से पहले मैं जो भी यहाँ पे आएगा कस्टमर, जो भी आना चाहता है, जो भी आना चाहता है, उनको मैं एक बात आपको पहले सजेस्ट करना चाहूँगा, इस मार्केट के अंदर कमीशन खोर बहुत है। जो कमीशन वाले जो आपको लेके जाएंगे, फिर कहीं और दिखाएंगे मशीन, कहीं और दिखाएंगे। आप मेरे पास ना आकर के मार्केट में किसी के पास भी जाएं तो डायरेक्ट मालिक से बात करें, बीच में कमीशन वाले को ऐड ना करें। जो कमीशन वाले क्या करते हैं कि आपको बेकार मशीनें दिलवा देंगे अपने कमीशन के चक्कर में, फिर आपको नुकसान होगा, उसके चक्कर में हम भी बदनाम होते हैं, मार्केट भी बदनाम होती है और आप लोगों को नुकसान भी होता है। इसलिए जब भी कभी इस मार्केट से मशीन लेनी हो तो सीधा मालिक से ही बात करें। कोई आदमी आपके साथ अगर चल रहा है तो उसको मना कर दें कि आपको हमें ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कमीशन की वजह से मशीन कस्टमर को भी महंगी पड़ती है और हमें कमीशन देना पड़ता है और कस्टमर को नुकसान भी होता है और रेट भी खराब होता है, रेट भी कस्टमर भी खराब होता है, कस्टमर भी खराब होता है। डायरेक्ट मालिक से ही बात करें, जो मालिक है आप उससे बात कीजिए डायरेक्ट, बीच में कमीशन वाले से बात मत कीजिएगा इस मार्केट में आने से पहले, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है कि मशीन आपको अच्छी मिल जाएगी, जो भी बात है डायरेक्ट बात हो पाएगी। कमीशन को बीच में अपने कमीशन के चक्कर में नुकसान ही कराता है, कस्टमर का भी नुकसान होता है, दुकानदार का भी नुकसान होता है, रेपुटेशन भी खराब होती है। इसलिए आए मार्केट में देखें मशीन, बाकी भाई का चैनल है सब्सक्राइब करें, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो भी कोई इस वीडियो को देखें वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। जो है उम्मीद करूंगा सर कि यहाँ से जो व्यूअर देख रहे हैं वो आपसे जुड़े, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई है दोस्तों। और जो है दोस्तों मिल के ही काम होता है, आपका भी काम होगा, सर का भी काम होगा और दोस्तों भाई का चैनल भी ग्रोथ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे नेक्स्ट बार जो है दोबारा सर के पास आने में सर को भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक धन्यवाद सर।